टुडे वीडियो इज अबाउट एसेंशियल आइटम अ न्यूबॉर्न मस्ट हैव। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी बच्चा जन्म लेता है सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कपड़े। कपड़े आप किस तरह के रखें? कपड़े आप रखें जनरली सॉफ्ट फैब्रिक के, प्रेफरेबली ना वेरी इंपॉर्टेंटली कॉटन कपड़े होने चाहिए। कॉटन कपड़े के साथ साथ अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो आई कैन से यू कि वो जो कपड़ा आता है धोती जो पूजा में यूज़ की जाती है आप यूज़ कर सकते हैं उसे। आप ये इकोनॉमिकल भी होता है और साथ ही साथ ये बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चों के लिए और आप इसे किसी भी लेंथ में कट करके आप अपने बच्चे को रैप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं साथ ही साथ आपको होममेड चीज़ें जो आप न्यू बॉर्न के लिए यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी और आप इसे कैसे इकोनॉमिकल बना सकते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी। नाउ नेक्स्ट आइटम इज़ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपको रखना ज़रूरी है बिकॉज आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो या नॉर्मल हो फर्स्ट डे फीडिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है एज अ न्यू मदर के लिए। दो आई मस्ट टेल यू कि बेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर किड। नाउ आप जैसे ही मिल्क पाउडर रखते हैं तो साथ में साथ उसके स्पून और एक बोल रखें एंड अ फीडिंग बॉटल। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा फीडिंग बॉटल को नहीं पकड़ता है तो उस समय आपको एक बोल स्पून, एक क्लीन स्पून रखनी चाहिए ताकि आप बच्चे को स्पून से फीड करा सको। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जब बच्चा आपके घर आता है तो आपका बेड तो एक क्लीन बेडशीट तो रहता ही है, जनरली रहेगा ही, उसके ऊपर एक बेडिंग होता है। तो बेडिंग जनरली शॉप में भी मिल जाते हैं, वो एक फोम के होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्यूट भी आते हैं बच्चों के लिए बेडिंग। कभी कभी मस्कीटो नेट के साथ आते हैं, विदाउट मस्कीटो नेट भी आते हैं, पर आप घर में भी बना सकते हैं इस बेडिंग को अपने ओल्ड पुराने बेडशीट्स को यूज़ करके, विच आई विल बी डिस्कसिंग लेटर। नाउ इसके बाद होता है मस्कीटो नेट से पहले मैं बताना चाहूँगी बेडिंग के साथ आप एक ड्राई मैट रख लो क्योंकि बच्चा बहुत यूरिनेट करता है, पॉटी करता है जब वो जन्म लेता है तो एक ड्राई मैट होनी ज़रूरी रहती है क्योंकि ताकि आपके यूरिन बेड तक ना आए, बच्चे की यूरिन बेड तक ना आए। उसके बाद है फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मस्कीटो नेट। मस्कीटो नेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि बच्चे को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट रहे, मस्कीटो या कोई भी इंसेक्ट से वो बचे रहे। ये भी तीन साइज़ में आते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप अलग से जनरली आप ट्राई करोगे एक अलग ही मस्कीटो नेट लो, बेड के अटैच भी आते हैं बट यू गो फॉर अ यू नो सेपरेट मस्कीटो नेट डैट विल बी इकोनॉमिकल इन न्यू लॉन्ग रन। सो इसमें तीन साइज होते हैं, स्मॉल साइज इज बेस्ट फॉर योर किड, मतलब सही साइज होता है जो आपके न्यू बॉर्न के लिए होते हैं, बट नेवर बाय द स्मॉल साइज क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है और वो छोटा पड़ने लगता है। एंड लार्ज एंड मीडियम यू कैन बाई। लार्ज साइज का डिसएडवांटेज ये होता है कि वो बहुत बड़ा एरिया बेड का कवर करता है। सो पर्सनली आई वुड प्रेफर यू शुड बाई अ मीडियम साइज ऑफ मस्कीटो नेट। नाउ इसके बाद आते हैं नैपकिन्स एंड डायपर। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप किस में कंफर्टेबल हो, नैपकिन या फिर डायपर। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने नैपकिन फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए अपने बच्चे के लिए यूज़ किया था और जब भी वो बाहर डॉक्टर अपॉइंटमेंट जनरली उसके लिए जाता था तो मैं डायपर यूज़ करती थी। ये यहाँ पर मुझे इकोनॉमिकल भी साबित हुआ। नैपकिन्स वेर वे मच इकोनॉमिकल देन डायपर क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिनेट करता है और बहुत ज़्यादा ही पॉटी करता है। यूरिनेट तो डायपर मैनेज कर लेता है बट पॉटी से डायपर को आपको हमेशा थ्रो करना पड़ेगा तो हमेशा वो वेस्ट होते रहता है। सो नैपकिन आर मच इकोनॉमिकल एंड आई पर्सनली थिंक मच हेल्दियर देन फॉर अ बेबी। अब नैपकिन भी 2 तरह के आते हैं, आप शॉप से भी बाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो और घर में भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन दिखा देती हूँ कैसे नैपकिन, ये आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये नैपकिन ये 5 के में आते हैं, 10 पीसेस का भी एक लॉट आता है, यू कैन बाई दिस ऑल्सो। नाउ टॉय कुछ होने चाहिए बच्चे के लिए ताकि बच्चा खेल सके और साथ ही साथ एज अ गार्जियन फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें बच्चे का बस 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेक करना चाहिए, वो है उसकी देखने की एबिलिटी और सुनने की एबिलिटी। सो कभी कभी ये सब जो झुनझुनना जनरली बेसिक टॉयज में झुनझुनना अगर आप बजा दो तो वो रिस्पॉन्ड करे, वो उस तरफ देखे, उस तरफ उसका आँख जाए ताकि वो पता चले कि वो सुन रहा है, चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है। नाउ
उसके बाद आता है बेबी ऑयल, बेबी पाउडर एंड बेबी शैम्पू। बेबी ऑयल और बेबी पाउडर आप बच्चे को तभी यूज़ करें जब उसका नेचुरली अम्बिकल कॉर्ड गिर गया हो, खुद से ही उसका अम्बिकल कॉर्ड कुछ दिनों में गिर जाता है, तो आप मसाज के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये आप एक अच्छी क्वालिटी का लें जिसमें केमिकल फ्री रहे, ताकि क्योंकि यहाँ पे आप किसी तरह का भी बेस्ट क्वालिटी लें, ताकि क्योंकि ये बच्चे के डायरेक्ट स्किन पे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे आप बेस्ट क्वालिटी देखें। जनरली हम ये बोलेंगे कि आप इसे आप साथ ही साथ ये केमिकल फ्री रहे वो डाले वो। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग बेबी वाइप्स। बच्चा बहुत जगह पॉटी करता है, तो उसे पोंछने के लिए या फिर उस एरिया को क्लीन करने के लिए आपको बेबी वाइप्स की ज़रूरत हो। तो बेबी वाइप्स ऐसा लें जिसमें वो अल्कोहल एंड पैराबिन फ्री रहे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम मेरे हिसाब से होता है, क्योंकि हमेशा हम एक गुनगुना पानी भी एक घरेलू नुस्खा है, कॉटन कपड़े से लोग क्लीन करते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ न्यू मदर। और जिस तरह से बच्चा 10-12 टाइम्स भी पॉटी करता है, तो आपके पास एक रेडीमेड वाइप्स होता है, तो इट इज़ गुड फॉर यू टू यूज़ दैट एंड वेरी ईजी टू यूज़ दैट। नाउ बेबी ग्लव्स तो आप यूज़ करते ही हैं नील, ताकि बच्चा को कुछ ना हो, बच्चे अपने को स्क्रैच ना करे, उसके नेल्स से अपने फेस में ना लगाए, पर कुछ आफ्टर अ मंथ यू हैव टू कट द नेल्स, सो यू नीड अ नेल कटर। नेल कटर भी बच्चों का अलग तरह का आता है, सो यू कैन बाई इट फ्रॉम एनी शॉप। दिस आर द नेल कटर, आप देख रहे हैं ये नेल कटर, इसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ, क्योंकि बच्चों के तो नेल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, सो दिस नेल कटर यू कैन बाई इट फ्रॉम एनी शॉप। And these are the things which is very important for your kid, जो मैंने अपने बच्चे के लिए ये सब चीज़ों को अरेंज किया था when she was born and now, so thank you for watching my video. If you like it, please subscribe. Thank you and have a nice day. Bye. Please, आप ये stitch करवा सकते हो, कोई भी आपके पास कपड़े साफ कपड़े रखे हो तो उसे यहाँ पे आप ये बनवा कर इसमें आप बच्चे का दोनों कॉर्नर को बांध के आप एज ए नैपकिन यूज़ कर सकते हो। दीज आर द बेबी नैपकिन्स यू कैन यूज़। नाउ एक और मैं DIY आपको बताती हूँ, ताकि ना कि आपको स्टिच करना पड़ेगा और ना ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। यू हैव द मेन्स हैंडकरचीफ विथ यू, तो आप उसे आप इस तरह से बना सकते हो। आप इसे एक डायगोनली फोल्ड करो एंड देन यहाँ पे आप बांध दो। ये बहुत आसानी से वॉशेबल भी होता है और बच्चे के लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है। यू कैन सी दिस इज मेड फ्रॉम द मेंस हैंडकरचीफ। नाउ बेडिंग के लिए मैंने बताया था घर में भी फलिया बनता है, तो ये फलिया है, फलिया और बेडिंग यू कैन से फलिया हिंदी में हम बोलते हैं। इसके अंदर बहुत पुराने बेडशीट्स रखे हैं, ऊपर में हमने क्लीन न्यू कवर रखा है, ताकि ये तो स्टिक के लिए भी अच्छा रहे, दिखने में भी अच्छा लगे। और इस तरह का ये रहता है, ये इतने बड़े साइज़ का बनाया गया, ताकि लॉन्ग रन में भी यूज़ हो सके।